Hey guys, hi, welcome back to my channel, The Pretty Looks. मैं हूँ आराध्या और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 फेस पैक्स जो कि है ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपके स्किन टाइप पर कौन सा फेस पैक सूट करने वाला है, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले फेस मास्क मैं आपको ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ. इसमें आप 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हनी ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक ऐड करेंगे और अब इस मिक्सचर को आप मिक्स कर लेंगे और या फिर आप अपनी स्पून की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं. अब मैं आपको ये फेस पैक अप्लाई करके दिखाती हूँ अपनी स्किन के ऊपर. मैं इसे ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ. आप चाहें तो कॉटन बॉल में इसे डिप करके और फिर इसे अप्लाई कर सकते हैं. कि हम सभी को पता है कि रॉ मिल्क हमें हमारी स्किन को लाइटन करता है, हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सर्दियों में ड्राई होने नहीं देता, क्योंकि ये पैक ड्राई स्किन वालों के लिए है. इसे आप नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी बोल सकते हो. और इसमें हमने लिया है हल्दी. हल्दी हमारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में काम आती है और हमारे फेस पर ब्लेमिशेस को दूर करती है, रिंकल्स भी रिड्यूस करती है. और रही बात एलोवेरा जेल की, तो एलोवेरा जेल में इलास्टिसिटी होती है जो हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है और हमारी स्किन के साथ साथ हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. तो अब मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक ये ड्राई ना हो जाए. तो क्योंकि अब ये मास्क फुली ड्राई हो गया है तो अब हम इसे वाटर से वॉश कर लेंगे और साथ में एक क्लीन टॉवल की मदद से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे. सेकंड फेस पैक है जो वो ऑयली स्किन वालों के लिए है, तो देखते हैं क्या है. अब हम लेंगे पतंजलि का एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून. इसमें मैं बाउल में ऐड कर लूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं. साथ में मैंने डाबर का हनी लिया है. आप चाहें तो कोई भी हनी ले सकते हैं. 1 टेबलस्पून में डाबर के हनी की ऐड, पूरी 1 टेबलस्पून ऐड की है मैंने. साथ में मैंने 4-5 ड्रॉप्स गुलाब जल की ली हैं. ये भी मैंने डाबर का लिया है. आप चाहें तो कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं. तो इसे ऐड करने के बाद हम इसे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसका कलर ग्रीन कलर का आएगा. कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, आपको ये कंसिस्टेंसी रखनी है. तो अब मैं ये पैक लगाना स्टार्ट कर रही हूँ. तो अब मैं स्टार्ट करूँगी ये पैक लगाना. तो जैसे कि इसमें एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल बढ़िया है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. और ये हमारे फेस पर नेचुरल शाइन भी लाता है और ये हमारे स्किन में जो डेड सेल्स होते हैं उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है. अब मैं इस पैक को ब्रश की मदद से पूरे अपने फेस में लगा रही हूँ. तो लगाने के बाद भी मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक ये फुली ड्राई ना हो जाए. ड्राई होने के बाद मैं इसे लूक वार्म वाटर से वॉश कर लूंगी. और जब ये फुली ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसे लूक वार्म वाटर से वॉश कर लें और फिर एक टॉवल की मदद से इसे क्लीन कर लें अपने फेस को. तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मैं आपको फेस मास्क बता रही हूँ. आप तो सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन. उसके बाद हम लेंगे पतंजलि का एलोवेरा जेल. आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं. उसके बाद मैं डाबर की हनी ऐड कर रही हूँ. आप हनी भी कोई भी ले सकते हैं अपने अनुसार. 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी इसके अंदर हनी में और 4-5 ड्रॉप्स गुलाब जल की ऐड करूँगी. या भी ये भी मैंने डाबर का लिया है. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे. जब ये फेस पैक तैयार हो जाए तो मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊँगी आपको अपने फेस के ऊपर. तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर. तो ये मेरा 3rd फेस मास्क कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है. अगर आपको नहीं पता है कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारे फेस का टी जोन एरिया है वो ऑयली होता है और जो बाकी का चीक्स वाला एरिया है वो ड्राई होता है. तो इसी स्किन टाइप को हम कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कहते हैं. क्योंकि इसमें मैंने रोज़ वाटर को ऐड किया है तो रोज़ वाटर एज ए टोनर भी बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए और ये हमारे फेस पर पीएच बैलेंस को भी बनाए रखता है. बेसन हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने के काम आता है और ये हमारे टैन को भी रिमूव करता है और हमारी सारी डेड स्किन को भी रिमूव करता है और ऑयलनेस को भी कम करता है, क्योंकि हमारे टी जोन एरिया में ऑयलनेस ज़्यादा होती है.
और साथ ही साथ में फेशियल हेयर को रिमूव करने में भी हेल्प करता है और हमारी स्किन में इंस्टेंट फेयरनेस का काम करता है। ये फेस पैक लगाने के बाद इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जब तक ये फुली ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद आप इसे टॉवल की मदद से क्लीन कर लें। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।